आप में से बहुत सारे लोग तो पुराने हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं, तो उनके लिए मैं प्रभु जी को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। प्रभु जी डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, तो डॉक्टर की पढ़ाई करके भक्ति के संपर्क में आए, भक्तों के संपर्क में आए हो, और लगभग पिछले 20 सालों से ज़्यादा से भक्ति में लगे हुए हैं, और अभी वडोदरा जो इस्कॉन टेम्पल है वहीं पर रहते हैं, और युवाओं को गृहस्थों को दोनों को प्रचार करते हैं। प्रभु जी ने इसके अलावा और हमारे यहाँ पे एक विद्यालय चलता है, निमाई पाठशाला और भक्ति विधान विद्यालय, उसमें बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाते हैं। संस्कृत में अभी कुछ समय पहले गुजरात सरकार ने एक संस्कृत भगवद्गीता को बच्चों को 6 to 12 इंट्रोड्यूस करने के लिए एक ये निर्णय लिया है, तो प्रभु जी का उसमें टीवी पे प्रभु जी को उस पैनल में रखा गया था स्कॉलर्स के रूप में, कि प्रभु जी उसमें कैसे इसको मतलब सहायता कर सकता है बच्चों को 6 to 12 पढ़ने के लिए। तो प्रभु जी बहुत पठन और इसमें बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आज लगभग 2 सालों बाद हमको फिर से यहाँ फिर से ये सत्संग करने का अवसर मिला है, तो आप सभी से अनुरोध है कि ध्यान से सुने जो भी प्रभु जी बताएं हमको अभी लेक्चर में, और उसके बाद सभी के लिए प्रसाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बैठ जाएंगे कि नीचे बैठ जाए या तो खेले? पूरे भारत भर में आज किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है? हनुमान जी का। तो भारत में राम या कृष्ण के जो मंदिर है उससे भी हनुमान जी के मंदिर ज्यादा होंगे, है ना? पर अधिकतर जो हनुमान जी को जिस प्रकार से जानते हैं और जिस ले उनके मंदिर के पास जाते हैं, उससे थोड़ा आज अलग श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक है, मैं पढ़ता हूं। श्लोक है 19। न जन्मननम् महतो न सोभनम् न वां बुद्धिर्ना कृतिस्तोहतोष्हेतु तेर्यत् विशिष्टानपि नो वशो कशश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः
वन कैन नॉट एस्टैब्लिश अ फ्रेंडशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड रामचंद्र ऑन बेसिस ऑफ मटेरियल क्वालिटीज सच एज वंस बर्थ इन एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली वंस पर्सनल ब्यूटी वंस इलोक्वेंस और वंस शार्प इंटेलिजेंस और वंस सुपीरियर रेस और नेशन None of this qualification is actually a prerequisite for friendship with Lord Sri Ramchandra. Otherwise, how is it possible that although we uncivilized inhabitants of forest have not taken noble birth, although we have no physical beauty and although we cannot speak like gentlemen, Lord Ramchandra has nevertheless accepted us as his friends. तो भागवतम का ये जो श्लोक है वो हनुमान जी को लागू होता है। श्लोक में बताया गया है कि संसार में कितनी भी उच्च परिवार में जन्म हो, सुंदरता हो, संपत्ति हो, विद्वता हो, ये सब वस्तु है, भगवान के साथ मित्र बनने की योग्यताएं नहीं है। एकमात्र जो योग्यता है वो भगवान की भक्ति, और हनुमान जी है वो प्रसिद्ध है। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, उनका एक प्रसिद्ध प्रवचन है, भारत में पहलवानों के अखाड़े होते हैं, अभी भी चलते हैं, अभी जिम ज्यादा चलते हैं, अखाड़े कम हैं। तो अखाड़े में सब लोग हैं पहलवान, हनुमान जी का चित्र रखते हैं और सब हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बनने की प्रेरणा रखते थे। अभी तो सब दूसरे बॉडी बिल्डर्स विदेशी जो है उनका चित्र रखते हैं। तो प्रभुपाद जी को एक ऐसे अखाड़े में प्रवचन के लिए बुलाया गया, और प्रभुपाद जी जैसे वहां गए तो उन्होंने यही पूछा कि हनुमान जी प्रसिद्ध क्यों हुए, आप सब लोगों ने यहां पर हनुमान जी का चित्र क्यों लगाया, शक्तिशाली तो बहुत सारे लोग है ना, रावण, कुंभकर्ण, भीम, दुशासन, तो ये सब असुर भी बहुत शक्तिशाली थे, पर हनुमान जी प्रसिद्ध है भगवान राम की सेवा के लिए और सभी प्रकार से उनकी सेवा के लिए वो प्रसिद्ध है। और उनमें कई विशेष जो गुण है जो एक भक्त में होना अति आवश्यक है। हालांकि हनुमान जी की क्षमता जो सेवा की है उतनी क्षमता तो हमारी नहीं है, और उसके कुछ गुण भी अपने जीवन में हम अपनाएंगे तो हम भी भगवान के प्रिय बनेंगे। प्राय लोग हैं हनुमान जी को एक देव के रूप में जानते हैं, जैसे भिन्न देव भिन्न भिन्न देवताओं के या देवियों के मंदिर पर लोग जाते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, या अपने जीवन में कोई दुख है, कोई रोग है, कोई संकट है, उसको दूर करने के लिए। और इसलिए अधिकतर लोग हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, संकट मोचन, बीड़ बंजन, तो इसी प्रकार से उनको बजते हैं, पर बहुत कम लोग उनको भगवान राम के प्रिय सेवक के रूप में उनकी भक्ति करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप भगवान राम की सेवा में लगे हैं उस प्रकार से हमें भी भगवान राम की सेवा का प्रदान दीजिए। ऐसे बहुत कम लोग प्रार्थना करने वाले हैं, अधिकतर लोग आए शनिवार है, श्रीफल लेकर, तेल लेकर, सिंदूर लेकर चाहेंगे, चढ़ाएंगे और उनको प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन के कुछ कष्ट दूर हो जाए। पर हमारे जीवन के कष्ट वास्तव में हनुमान जी की प्रार्थना करने से दूर हो सकते हैं, क्योंकि कष्ट हमेशा के लिए दूर करना ही बुद्धिमानी है, कुछ समय के लिए दूर करना बुद्धिमानी नहीं है। पर हम हनुमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कुछ समय के लिए मेरा दुख दूर हो जाए ऐसा वरदान दीजिए। वैसे तो डॉक्टर के पास दिए आपको टीबी है और डॉक्टर कहे कि आप मुझे एक हफ्ते की ऐसी दवा दीजिए कि मुझे बुखार ना आए, मुझे टीबी ठीक नहीं करना है, इसी के एक हफ्ते के लिए ठीक होना है, तो ये मूर्खामी है कि हम उसका परमानेंट सॉल्यूशन स्थायी उपाय नहीं ढूंढते हैं और एक हफ्ते के लिए, एक जीवन के लिए, कुछ सालों के लिए सुख चाहते हैं। और हनुमान जी ऐसे लोगों पर ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, वो प्रसन्न होते हैं जब आप भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान हनुमान जी को सबसे प्रिय जो वस्तु है वो आप भगवान राम का कीर्तन करते हैं, जैसे हम लोग हरे कृष्ण
कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कीर्तन में भगवान राम का नाम है, तो निश्चित रूप से हनुमान जी भी इससे उतने ही खुश होंगे जितने कोई और भक्त भी होते। तो हनुमान जी के जीवन का सबसे प्रसिद्ध जो घटना है, उनकी एक विशेष जो सेवा जिसका अभी भी पूरे भारत में लाखों लोगों के द्वारा गायन किया जाता है, सीता माता की खोज रामायण में वो जो भाग है सुंदरकांड के नाम से प्रसिद्ध है, जैसे बालकांड है, अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, सुंदरकांड है, किष्किंधा कांड है, फिर ये सुंदरकांड है, युद्ध कांड। तो इस प्रकार से रामायण के अलग अलग कांड सेक्शन बनाए गए हैं, जिसमें सुंदरकांड की जो कथा है, जिसमें विशेष रूप से भगवान राम की सेवा हनुमान जी ने की, उसका बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और भी कई शास्त्रों में उनके बारे में उनकी और भी कई सेवाओं का वर्णन है, पर यहाँ पर रामायण में ये विशेष जो भाग है उसको हम देख सकते हैं। तो हनुमान जी को है एक असंभव जैसा कार्य दिया गया था, क्योंकि उस समय है हनुमान जी को एक बड़े योद्धा के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे। ये तो बाद में उनको याद आया कि मैं कर सकता, बचपन में उन्होंने काफी सारी मस्ती किया तो उनको ऋषियों ने शाप दे दिया कि बालक अपनी सब शक्तियों को भूल जाएगा जब तक इनकी उन शक्तियों को कोई याद नहीं दिलवाएगा, क्योंकि उन शक्तियों के कारण वो काफी उपद्रव मचाया करते थे। तो सुग्रीव ने चार टीम बनाई और सीता माता की खोज के लिए चारों दिशाओं में बंदर भालू इत्यादि को भेजा, और भगवान राम ने फिर भी हनुमान जी को ही जो मुद्रिका जो है सीता माता की वो निशानी के रूप में दी, क्योंकि भगवान को पूरा भरोसा था कि हनुमान ही ये कार्य कर पाएंगे। और उनका जो दल है वो भी एक महीने की जो अवधि उनको दी गई थी कि इस इतने समय में सबको खबर लेकर आ जानी है कि क्या हुआ, कुछ मिला पता मिला कि नहीं सीता माता का। और अब दिन अभी बहुत कम दिन बचे थे और वो अंत में दक्षिण भारत में समुद्र किनारे तक पहुंच गए। तो दक्षिण भारत के किनारे पर आ गए, समुद्र अभी आगे है, आगे तो कोई रास्ता है नहीं, और ऊपर से वहां पर जटायु का भाई संपाति उनको खाने के लिए आ जाता, और इन लोगों को लगा कि यहां तो या तो इनके हाथ मारे जाए या तो उपवास करके मर जाए, वापस जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमने भगवान राम का कार्य नहीं किया। हालांकि जब जटायु की बात होती है, मतलब तभी सब वानर है एक बातें करते हैं, कि जटायु हमारे से कितना सौभाग्यशाली कि भगवान राम के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। हम सबको भी एक शरीर मिला है, एक समय मिला है, कुछ धन मिला है, कुछ शक्ति मिली है, और इस संसार में शरीर या धन और शक्ति किसी न किसी प्रकार से इसमें खर्च होने वाला है, समय बीतने वाला है, धन खर्च होने वाला है, शक्ति खत्म होने वाली है। आप वो धन या शक्ति या शरीर या समय कहां लगाते हैं इसी के ऊपर हमारा आगे का जीवन निर्धारित होता है। सबको मिला हुआ है, और जो सदुपयोग करता है भगवान के लिए प्रयोग करता वही भक्त है, और जो दुरुपयोग करता है भगवान के लिए इसका दुरुपयोग नहीं सदुपयोग नहीं करता है वो असुर। सबको ये वस्तु मिली है, तो कहां कि जटायु ने तो अपने जीवन को सार्थक कर दिया, भले वो जीत नहीं पाया पर अपना प्राणों का त्याग भगवान के लिए कर लिया किया, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई बार हताशा आती है, तो सब वहां पर उदासीन हो गए
पर संपाति ने जब जटायु की बात सुनी तो उन्होंने फिर बताया कि मैं देख सकता हूं कि यहां से बैठे बैठे की सीता माता है वो 100 योजन दूर अशोक वाटिका में है। हालांकि संपाति के पास वो शक्ति नहीं थी। और फिर उन्होंने कहा कि आप में से कोई है वहां पर जाकर अन्वेषण कर सकते हैं। तो एक आशा बनी, पर अब ये असंभव कार्य था कि 100 योजन समुद्र कौन पार करेगा। अभी जो लंका है वो तो बहुत नजदीक है, 50 किलोमीटर भारत से नजदीक। वो शतयोजन मतलब एक योजन मतलब 808 माइल, तो 800 माइल यानी कि ऑलमोस्ट 1200 या 1500 किलोमीटर। तो वो अभी लंका है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। अजलेश अभी जो श्रीलंका है वो तो बहुत नजदीक है भारत के, मतलब उसके लिए कोई शतयोजन की जरूरत नहीं है, मतलब आराम से कोई नाव लेकर जा सकता है। तो सब लोग है अपने अपनी क्षमताओं को बताने लगे। और अंत में सुग्रीव ने बताया कि मैं 100 योजन जा सकता हूं पर वापस आने की कोई गारंटी नहीं। तभी तक हनुमान जी भी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि मैं 10 योजन भी छलांग लगा सकता हूं, तो उनकी प्रशंसा जांबुवान करते हैं। अब देखिए रामायण की ये काफी एक विचित्रता है कि यहां पर भगवान की सेवा में सिर्फ मनुष्य नहीं, बाह्य रूप से भालू या बंदर या पक्षी या कोई आदिवासी जो वनवासी जो लोग है सब कृष्ण राम के भक्त है। भारत में अभी ये काफी क्रांतियां फैलाई जाती है कि सिर्फ ब्राह्मण या जो क्षत्रिय थे उच्च परिवार वाले हैं वही सभी वेदों को मानते थे और राम के भक्ति करते थे। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शबरी जो है वनवासी स्त्री है या निषाद राज जो है वो भी राम का भक्त है, बाद में सुग्रीव, ये सब भी भगवान राम के भक्त बने। तो और ऑफ कोर्स ये भी है कि कुछ लोगों ने लिखा कि ये हनुमान जी या ये वानर मनुष्य थे पर वानर जाति, उनका जाति का नाम मानव था। तो ये भी भ्रांति है लोगों की, क्योंकि लोग हैं कई वस्तुएं उनको शास्त्रों के अपने अपने मन से अर्थघटन करते हैं। कहा कि बंदर तो नहीं हो सकते, क्योंकि बंदर होंगे तो बोलेंगे कैसे। पर ये इस संसार में जो हम जो बंदर देखते हैं उस प्रकार के बंदर नहीं है, एक विशेष जाति है किम पुरुष। तो वो जो मनुष्य है उनका मुख बंदर का होता है, पूंछ होती है, पर शरीर पूरा मनुष्य का होता है, मनुष्य की तरह ही बातें करते हैं पुरुष। उनकी पत्नियां हैं वो सामान्य जो स्त्रियां हैं उसी प्रकार की, पुरुष में ये संलक्षण होते हैं। तो एक विशेष जाति है जो अभी हम नहीं, जिसको नहीं देख सकते। ये जो बंदर है वो तो सामान्य बंदर है, वो हनुमान जी उस एग्जैक्टली उस प्रकार के बंदर नहीं थे कि लोग, क्योंकि सिमिलरिटी है तो इसलिए कई बार कहते हैं मंकी गॉड, विदेशी लोग कहते हैं मंकी गॉड। तो हनुमान जी जो है उनकी प्रशंसा की गई। और भक्त है उनकी कई बार प्रशंसा की जाती है, पर भक्त उससे स्वयं पर नहीं ले लेता कि चलो मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति बन गया। अब देखिए इतनी सारी प्रशंसा अब देखिए वहां पर है जांबुवान हनुमान जी की करते हैं, और फिर हनुमान जी उस प्रशंसा को सुनकर स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगते हैं कि मैं 100 बार है मेरु की को घूम सकता हूं बिना थके हुए, आकाश में जब गरुड़ उड़ता है तो 1000 बार उसकी परिक्रमा कर सकता हूं, पूरी लंका को उखाड़ कर फेंक सकता हूं, या मैं अगर समुद्र में नहाने उतरू तो सब प्रलय ला सकता हूं, पूरी पृथ्वी को डुबा सकता हूं। तो हनुमान जी स्वयं की अपनी प्रशंसा करने लगे। पर एक भक्त है कभी भी अपनी शक्ति का इस प्रकार से प्रशंसा नहीं करता कि मेरा पावर है। वो जानता है कि भगवान से उनको ये शक्ति प्राप्त है, तो भगवान की कृपा से मैं कर सकता हूं। भक्त की यही समझ है कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो स्वयं लिखते हैं कि मैं तो एक कठपुतली हूं, पपेट जो होते कठपुतली आजकल नहीं होते, पहले होते थे उंगलियों से जिसको नचाते थे, तो आपस में लड़ते हैं सब कुछ करते हैं, पर उनके हाथ उनका जो नियंत्रण है जो जिसने पकड़ा है उस उंगलियों से उसके पास होता है।
तो उसी प्रकार से भगवान का भक्त है कभी अगर ऐसी प्रशंसा भी अपनी कर ले तो हमेशा मन में होता है कि कृष्ण के अगर आशीर्वाद है तो मैं ऐसा कर सकता हूं। तो प्रभुपाद जी का जो मैं बात कर रहा था कि प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं आपके हाथ में कठपुतली हूं, आप जैसे मुझे नचाना चाहते हैं मैं नाचूंगा, पर मुझे विश्वास है आपके नाम के ऊपर कि कितने भी लोग पतित हो गए हैं, अधम से अधम, अधम से अधम कौन हो सकता है जो गौ का मांस खाता है, गायों का मांस खाता है, शराब पीता है, व्यभिचार में लगा है, ये सब अधम है जिसको कलयुग में हीरो या हीरोइन या सितारे कहे जाते हैं। कलयुग में तो अधम है उसी की पूजा प्रतिष्ठा होती है, पर ये अधम भी है, भगवान के भक्त बनेंगे जब भगवान का नाम वो सुनेंगे तो उनके हृदय में भी परिवर्तन होगा, तो ये भक्त को विश्वास होता है। तो उसी प्रकार से हनुमान जी जब अपनी प्रशंसा करते हैं तो वो भगवान की ही प्रशंसा वास्तव में करते हैं, भगवान की कृपा से मैं कर सकता हूं। और जहां पर उनको जरूरत पड़ते हैं, जैसे हनुमान जी है, इस प्रकार से जब निर्णय किया गया कि उनको उन्हीं को समुद्र पार करना है, तब उन्होंने काफी विशाल रूप धारण कर लिया। पर वही हनुमान जी जब है लंका में गए तो उन्होंने अति लघु रूप, मच्छर जैसा छोटा रूप ले लिया। तो भक्त सेवा के लिए जरूरत पड़े तो लीडर भी बन सकता है, हा? और जरूरत पड़े तो झाड़ू भी मार सकता है। भक्ति में है सब सेवाएं आध्यात्मिक स्तर पर है, और भक्त भगवान की सेवाओं के लिए ऐसा नहीं समझता कि मैं बड़ा राजा हूं, मैं धनवान हूं, हाँ मैं तो बड़ी सेवा ही करूंगा। बंगाल में, उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो वहां के राजा थे प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र उस समय उड़ीसा के बहुत ही प्रभावशाली राजा थे, बंगाल में और भारत के कई प्रदेशों में मुस्लिमों का राज था, और उड़ीसा को कभी जीत नहीं पाए क्योंकि भगवान के भक्त थे और काफी प्रभावशाली थे, तो कभी वो हारे नहीं मुगलों के सामने। पर उनकी इच्छा क्या थी कि चैतन्य महाप्रभु को मिले। तो एक बार तो पत्र भिजवाया, मतलब उनके चैतन्य महाप्रभु के भक्त के द्वारा बताया कि मुझे चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रण देना है अपने। चैतन्य महाप्रभु ने साफ मना कर दिया कि मैं धनवानों के घर पर नहीं जाता हूं, राजाओं के घर पर नहीं जाता हूं, सन्यासी है। तो अब राजा ने फिर और विचार किया क्या करे। फिर भक्तों ने उपाय दिया कि चैतन्य महाप्रभु जो है रथ यात्रा में तो नगर संकीर्तन होता है तो रोड पर आकर कीर्तन करेंगे, तो उस समय है आप अपना राजा का वेश छोड़कर सामान्य कपड़े पहनकर आ जाना। और राजा ने यही किया कि सामान्य कपड़े पहनकर जब रथ यात्रा का कीर्तन बीच में रुका, चैतन्य महाप्रभु वहां बगीचे में बैठकर थोड़ा विश्राम करने बैठ गए, थोड़े कहीं वृक्ष के छांव में थोड़ा सा विश्राम करने लेट गए, तो प्रताप रुद्र जाकर उनके पाव जो है पैर दबाने लगा, मसाज करने लगा। और उस समय वो श्रीमद् भागवतम के श्लोक गाने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत खुश हो गए कि तुम सबसे दानी व्यक्ति हो कि तुमने आज मुझे भगवान की महिमा सुना दी, और ऐसा करके उनको आलिंगन करने लगे, उनके प्रसन्न हो गए। तो ये वही राजा है कि जो पूरे प्रदेश उड़ीसा के सम्राट थे, आजकल मंत्री होते हैं जो 5 साल टिकते हैं, जिनके पास कुछ अपना वैभव भी नहीं है तो भी उनका कितना मान सम्मान होता है, ये तो मतलब परंपरा से सब राजा थे, इतना वैभव सब कुछ, फिर भी सामान्य व्यक्ति की तरह आकर भगवान की सेवा भी किया। तो हम तो वैसे भी ना ही तो हम राजा है, ना ही हम हनुमान जी जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, ना ही हम ब्रह्मा जी जैसे कोई पंडित या बड़े विद्वान व्यक्ति हैं कि चारों वेदों का अध्ययन किया है, हमारे भी कुछ ज्यादा योग्यता है। कलयुग में अधिकतर लोगों के पास कोई योग्यता नहीं है, पर इन योग्यताओं वाले लोगों ने भी भगवान की ही शरण ली है और उन योग्यताओं को भी बाजू में रखकर ही भगवान की ही सेवा की है। तो इसलिए हमें भी हमारी जो भी पहले पोस्ट रही होगी, आप में से यहाँ तो कई लोग
आर्मी नेवी या जो भी एयरफोर्स वगैरह में, एयरफोर्स वाले सब ज्यादा अलग अलग जगह पर है, कोई ऑफ कोर्स डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, सब हमारा समाज में एक स्थान नाम इत्यादि होता है। कभी कभी हमारे भक्त जाते हैं, जैसे सन्यासी हमारे गुरु महाराज भी आए थे भक्ति का स्वयं जो यहाँ पर अभी सत्संग भी हुआ था, तो जब उनका स्वागत करते तो सब भक्त जाकर उनको देखते कि सब लोग बड़ी बड़ी कार में आ रहे हैं, और फिर वो साधु जो आए उनको प्रणाम करे रोड पर दंडवत कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता है तो ये क्या है, हम तो इतने सम्मानी हैं, हम तो कहीं अच्छी कुर्सी आसन मिले तो बैठते भी नहीं है। तो भक्त है वो जानता है कि ये सब वस्तु सामाजिक व्यवहार है कि जहां पर मान सम्मान ऊंच नीच ये सब होता है, पर भक्ति में इसका कोई स्थान नहीं है क्योंकि सब जीव भगवान के दास है। तो हनुमान जी दास से भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। चार भक्ति के मुख्य जो रस बनता है, दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है और माधुर्य है। तो हनुमान जी दास्य भक्ति के सबसे बड़े उदाहरण है, और हनुमान जी ने इसीलिए विशाल रूप भी लिया, छोटा रूप भी लिया कृष्ण की सेवा के लिए, राम की सेवा के लिए। हम भी भगवान की जब सेवा करना चाहते तो कई प्रकार के फिर अवरोध आते हैं। हनुमान जी और सीता देवी के बीच में 100 योजन का सागर था, इसी प्रकार से हमारे और भगवान के बीच में एक बहुत अवरोधों का एक बड़ा सागर है जिसको पार करना होता है। ये भव सागर है, उसको जब पार करेंगे तब हम भक्ति को प्राप्त करते हैं, और फिर कई बार बड़े बड़े अवरोध उसमें आते हैं। एक सामान्य कलयुग दोषों का सागर है, कलयुग अपने आप में बड़ा एक अवरोध है भक्ति के लिए, और उसमें कुछ बड़े बड़े भी अवरोध आते हैं। जैसे हनुमान जी जैसे ही छलांग लगाते हैं कुछ समय के बाद मैनाक पर्वत आता है, कहा कि थोड़ा विश्राम कर लो। सबने विश्राम कर लिया 2 साल भक्ति में से, कई लोगों ने नहीं किया, कई लोग है 2 साल भी भक्ति करते रहे, पर कई लोगों को 2 साल का विश्राम मिल गया जब प्रोग्राम चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा, माला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ये माया की एक ट्रिक है कि अभी भक्ति तो करेंगे थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं, अभी वैकेशन आ रहा है चलो थोड़ा गोवा में जाते हैं। कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि वैकेशन में जाएंगे ऐसे कहीं जाएंगे, वहां पर खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, तो थोड़ा सा विश्राम चाहते हैं। पर ये जो मानसिकता है वो भक्त के नहीं होती। भक्ति में कोई एक हफ्ते के लिए, जैसे नवरात्रि आ गए 9 दिन भक्ति कर लिया, ऐसा नहीं है। चाहे भगवान का कोई भक्त हो या देवी देवता का भी भक्त हो, वास्तव भक्ति है कि जो नित्य चलते रहे। तो देवताओं के भक्त नित्य नहीं हो सकते क्योंकि देवताओं का स्थान नित्य नहीं है, पर भगवान की भक्ति नित्य है, अप्रतिहता, जिसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम प्रतिदिन है भक्तों को कहते हैं प्रतिदिन 16 माला जप करना है। 24 घंटे हम नहीं कर सकते तो कम से कम उस 24 घंटे में से कुछ समय है निश्चित कर लेते हैं हर रोज के लिए, जिसको कहते हैं व्रत। जब तक हम व्रत नहीं लेते हैं तब तक बताता है कि हम उसके प्रति गंभीर नहीं है। तो हमारे लिए तो छोटे मोटे अवरोध आते हैं, किसी का विवाह आ गया, किसी का जन्मदिन आ गया, कभी किसी का मृत्यु आ गया, कभी घूमने जाना है, तो ये सब में हम कई बार भक्ति को छोड़ देते हैं, माला करना छोड़ देते हैं या भक्त सत्संग में नहीं जाते हैं। पर ये समझना चाहिए कि ये परीक्षा की घड़ी है, उसी में करना, ऐसी स्थितियों में गृहस्थ जीवन में ये सब वस्तुएं आती ही रहेगी, तो उसी स्थिति में अपनी भक्ति को करते रहना जरूरी है। और उसके बाद हनुमान जी आगे गए, उसको तो हनुमान जी ने कहा कि काम पूरा हो जाएगा फिर आराम करेंगे। हरिदास ठाकुर के पास माया देवी आई थी, एक स्त्री का रूप लेकर, मतलब स्त्री के रूप में, तो हरिदास ठाकुर को आकर मिली तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरी माला पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और हरिदास ठाकुर 24 घंटे माला करते थे तो उनकी माला तो कभी पूरी नहीं होती थी। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन चला तो माया देवी ने कहा कि नहीं मुझे माफ कर दो। उससे पहले हीराबाई नाम के एक वेश्या भी आई थी तो वो तो भक्त बन गए।
तीन दिन लगातार भगवान का नाम सुना, उसी प्रकार से माया को समय देना है तो कल दो, आज नहीं। और कल भी उनको कहा कि कल आपको समय देंगे, आज नहीं, आज माला करने, कल समय देंगे। फिर हनुमान जी आगे गए तो सुनसा देवों की माता, नाग की, नागों की माता आई, और उसने विशाल रूप धारण किया और कहा कि मेरे मुख में गए बिना तुम वापस आगे नहीं जा सकते। तो हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ा लिया, उसने अपना रूप बढ़ा लिया, दोनों के बीच में स्पर्धा चलते रही। पर हनुमान जी समझ गए कि इसके साथ स्पर्धा करने का कोई मतलब नहीं है, स्पर्धा तो चलती रहेगी और यही मेरा समय खत्म हो जाएगा। कई बार आपको प्रायोगिक अनुभव होता है, रोड पर जा रहे कोई आपकी गाड़ी के आगे निकल जाता है तो इसीलिए हम स्पीड अप करते हैं, गुस्सा आता है हमें और पेट्रोल भी जलाते हैं कि मेरे आगे कोई निकल गया, फिर उसको लगता है। फिर ऐसे कहा कभी कभी सुना गया है कि लोग 50-100 किलोमीटर ऐसे आगे निकल जाते हैं, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और स्पर्धा को पूरी करने के लिए। तो संसार में भौतिक पद लोगों के साथ स्पर्धा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस स्पर्धा में आप नंबर वन भी हो गए हैं तो भी मृत्यु के समय पर सब कुछ हार लिया जाएगा। बलि महाराज नंबर वन हो गए थे, फिर भी भगवान एक झटके में ही सब कुछ ले लिया। तो यहां पर नंबर वन हो या नंबर जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसार में कभी कुछ समय के नाम प्रतिष्ठा हो जाती है और बाद में वो भी भूल जाता है। जीवन जितना चलाना है उतना हम प्रयास करते हैं, पर ऐसी स्पर्धा में थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति को होना चाहिए। यही बच्चों को भी कहते हैं कि भाई कॉम्पिटिशन, सब एग्जाम में कॉम्पिटिशन है, कॉलेज स्कूल नौकरी के लिए तो पूरा वातावरण है स्पर्धा का है, तो हम इतनी स्पर्धा करते हैं कि जिससे हमारा काम चलता रहे, पर उस स्पर्धा में हम जीत कर कुछ अपना नाम बनाना नहीं चाहते कि मैं कोई बड़ा वैज्ञानिक बन जाओ, बड़ा नेता बनकर दुनिया को सुधार दूं, मुझे नोबल लॉरेट नोबल पुरस्कार मिल जाए। कई नेता इसमें लगे इसी स्पर्धा में, उनका जीवन इसी में चला जाता है, कभी कभी मिल भी जाता है और अधिकतर नहीं मिलता लोगों को, पर मिले या ना मिले वो इसी संसार तक ही सीमित है और खत्म होने वाला है। तो हनुमान जी ने बुद्धिमानी की और वो छोटा रूप लेकर उसके मुख में जाकर आ गए कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम्हारे मुख में जाकर मैं आ गया, स्पर्धा में कोई मेरा लक्ष्य इससे पूरा नहीं होगा। फिर हनुमान जी आगे बढ़े तो एक और राक्षस आई कि जो लोगों की परछाएं पकड़ती थी। परछाई मतलब क्या, परछाई काली होती है ना, तो कुछ लोग संसार में ऐसे होंगे कि जो हमेशा ईर्ष्या करते हैं, आपकी प्रगति से जलेंगे या आप जो अच्छे अपने गुण है उससे जलेंगे, नकारात्मक बातें ही करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप अपने मन में स्थान देते हैं तो आपका कोई लाभ नहीं होगा, आप संसार में से तो उसको दूर नहीं कर सकते, अपने जीवन में स्थान नहीं दे सकते। मन जीवन में स्थान देना मतलब मन में स्थान देना। तो हनुमान जी ने उसके साथ कोई स्पर्धा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, उसको खत्म कर दिया। तो हमारे मन में भी अगर किसी के प्रति ईर्ष्या है उनको हमें समाप्त करना पड़ेगा। अब ईर्ष्या है कई प्रकार से होती है, कई बार हिंदू मुस्लिम के लोग को लेकर ईर्ष्या भी होती है, कभी काले गोरे को लेकर ईर्ष्या होती है, कभी ब्राह्मण और ब्राह्मण नहीं है उसके बीच में ईर्ष्या होती है, कभी धनवान और निर्धन के बीच में ईर्ष्या होती है। पर भक्त ही जानता है कि सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त हुई है और वो ऐसी ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि ईर्ष्या है प्रेम का विपरीत रूप है। आप भगवान को प्रेम करना चाहते हैं तो ईर्ष्या होगी तो कभी भी भगवान को प्रेम संभव नहीं है करना। तो हनुमान जी ने ईर्ष्या को भी जो वो राक्षसी है उसको खत्म कर दिया और फिर अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, लंका पहुंच गए। और वहां पर जाकर उन्होंने छोटा रूप ले लिया, कहा कि अब आवश्यकता थी इसलिए हमने छोटा रूप भी ले लिया और अंत में सीता माता को खोज कर वापस लौटे।
तब उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय ऐसा नहीं कहा कि मैंने सीता माता को ढूंढा है, वो अपने इस पूरी टीम के साथ वापस गए, पूरे दल को लेकर आए थे, तो दल को लेकर गए कि हमारे दल ने सीता माता का अन्वेषण किया। हालांकि भगवान राम जानते थे, इसलिए हनुमान जी को गले लगाया और कहा कि भरत की तरह ही तुम मुझे प्रिय हो। तो हनुमान जी को सबसे जो प्रिय वस्तु है वो भगवान राम का नाम है। फिर उनके गुण है, हालांकि सामान्य रूप से जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो सरल नहीं होता है, वो थोड़ा कठोर होता है, पर हनुमान जी की कई सरलताओं के उदाहरण भी दिए गए हैं। एक घटना रामायण में, मूल जो रामायण है उसमें तो नहीं, पर कई लोक कथाएं हनुमान जी के बारे में है। इसमें एक कथा प्रसिद्ध है कि हनुमान जी सीता माता को देखते हैं सिंदूर लगाते हुए और पूछते क्यों लगाते हैं ये, तो कहा कि ये भगवान राम को प्रिय है, ऐसे वो खुश होते हैं। तो दूसरे दिन पूरे शरीर पर सिंदूर लगा कर आ जाते हैं और दूसरे दिन सब लोग हंसने लगते हैं कि यार कोई भी व्यक्ति अपने शरीर पर होली के अलावा कलर लगाएगा, तो सब लोग हंसने होली में ठीक है लोग समझते कि होली है, अन्यथा कोई भी हंसेगा। और भगवान राम उनके ये निर्दोष जो स्वभाव है सरलता से प्रसन्न हुई। तो उनके कई सदगुण है कि सेल्फलेस सर्विस, कोई आशा के बिना जो सामान्य से सामान्य सेवा भी हनुमान जी करते हैं, सरलता और अपना पूरा प्रयास करना, और सबसे महत्वपूर्ण है वो निरंतर भगवान राम का नाम का कीर्तन करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अधिकतर लोग है हनुमान जी के पास भौतिक इच्छाओं को लेकर जाते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान ने बताया गया है कि जो भी देवताओं के पास अपनी भौतिक इच्छाओं को लेकर जाते हैं तो अल्प बुद्धि है, अल्प बुद्धि वाले हैं, और उनका ज्ञान है माया के द्वारा हर लिया गया है। तो भक्त है हमारे मंदिरों में भी सीताराम लक्ष्मण हनुमान, कई मंदिरों में जैसे दिल्ली में है, यहाँ अहमदाबाद में है, कई मंदिरों में ये मूर्तियों की स्थापना भी है, तो वहां पर इस रूप क्या वैष्णव भी पूजा करते हैं, पर हनुमान जी की हम पूजा करते हैं भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में। और अगर उनको एक भौतिक वरदान देने वाला देवता के रूप में आप पूजा करेंगे तो आपको भौतिक वरदान तो मिल जाएंगे पर भक्ति प्राप्त नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें भक्तों का संग करना है, वो सीखना जरूरी है कैसे हम अप्रिशिएट करें हनुमान जी को अपने जीवन में, और हकीकत में हम चाहते हैं कि हमारे संकट दूर हो जाए। तो हनुमान जी ने जो किया वही करना है, भगवान राम की सेवा। और सबसे सरल तरीका है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही आप लोग काफी लोग है हरे कृष्ण कीर्तन, कई भक्त 16 माला भी करते हैं, आप कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं कर रहे तो शुरू कीजिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए, यही जीवन की सार्थकता है। हरे कृष्ण, आप लोग प्रश्न है तो बता सकते हैं। अभी आद्या आप श्लोक गाएंगे, आ जाओ। ऐसा छोटा सा स्टोरी तो छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है, 2 मिनट में सुना दे। 2 मिनट में है तो आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। एक बार हिरण्यकशिपु था, वो ब्रह्मा की पूजा करता था, फिर ब्रह्मा जी खुश हो गए, फिर वो उनके पास जाते हैं, फिर वो हिरण्यकशिपु बोलता है मुझे अमर होने का वरदान दे दो, फिर वो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं तो आपको वरदान नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं अपने आप नहीं हूँ अमर, फिर वो हिरण्यकशिपु बोलता है मुझे ऐसा वरदान दे दो ना मैं रात में मरूं ना मैं दिन में मरूं ना मैं अपने घर में मरूं ना मैं बाहर मरूं वैसा वरदान दे दो, फिर वो आशीष पाकर के चला जाता है। फिर वो एक दिन अपने महल में आके बोलता है
बाकी रह गया पिता। फिर उस खम्बे में से नस्सी भगवान निकले थे, फिर वो होता है, फिर वो बोलते दिखा आपका किस्मत कहाँ है, फिर वो बोलते मेरा किस्मत तो सब जगह है, फिर वो उस खम्बे में ऐसे मुक्का मारता है, फिर वो उस खम्बे में से नस्सी भगवान निकल के उसको अपनी डोरी में ताक के उसका पेट फाड़ देते हैं, फिर वो मर जाता है, फिर वो प्रामराज को अपनी डोरी में ले ताकि प्यार करता है, चाहता है। तो ये भी एक सीखने जैसा है कि माता पिता को अपने बच्चों को समय देना चाहिए, क्योंकि ये सब सिखाने के लिए आपको उनको ये कहानी 100 बार 10 बार कम से कम आप सुनाएंगे तो कम से कम वो एक बार याद करेंगे। तो आप सब घर पर भी बच्चे छोटे बच्चे उनको पहले से प्रशिक्षण, बड़े भी है तो भी प्रशिक्षण से हो सकता है, आप स्वयं माला करते होंगे, मंदिर आते होंगे, सत्संग में बैठेंगे तो वो भी बैठेंगे, घर पर आप प्रसाद बनाकर भगवान को भोग अर्पण करके ही खाते हैं तो वो भी सीखेंगे कि भगवान को अर्पण करके ही हर वस्तु ग्रहण करनी है। तो माता पिता का ये प्रथम उत्तरदायित्व है परिवार को भक्ति में लगाने के लिए। हाँ बोलना है, बोलो बोलो, चलो जाओ चल। हरे कृष्ण इदाही इदाही धर्मस्या ग्लानि भक्ति वार्ता अभी उत्थानम अधर्मस्या तदा आत्मम च जानी हम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे पलक महर्षि, जब हरम की हानि होती है और अधम बढ़ने लगता है तब तक मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण। और किसको बोलना बोलना तुम थोड़ा कीर्तन करते हैं तब तक प्रश्न आ जाएगा।